गाइज वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है वेट लॉस जर्नी का तीसरा दिन। जी हाँ, और सुबह से काम ही कर रही थी, अभी 12 बज चुके हैं, अभी जाके थोड़ी फ्री हुई हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने जो मेरा पतंजलि का मैं लेके आई हूँ आंवला जूस। आपके पास कोई भी, अगर आपके पास आंवला है तो आप उसका डायरेक्ट जूस बना के भी आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा होता है और उससे बाल स्किन भी अच्छे होते हैं, वेट लॉस भी काफ़ी मदद करता है। और उसके बाद मैंने पी थी ग्रीन टी, और उसके बाद मैंने कुछ खाया पिया कुछ नहीं। हाँ, बादाम खाई थी मैंने, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, तो मैंने 4 या 5 बादाम खाई थी। और बाहर से आवाज़ आ रही है, सॉरी। और बस अभी थोड़ा बहुत काम है किचन का, वही कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाना है। और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो कभी लेट होता है क्योंकि आज संडे है ना, तो थोड़ा लेट हो गया, तो ये मैं खा रही हूँ क्योंकि इससे मुझे पेट भी भर जाता है और एक फ्रूट भी हमारी बॉडी को मिल जाता है, ठीक है। और अभी कल मैंने मल्टीग्रीन मैं आटा बना रही थी, तब वीडियो मेरा बंद हो गया था क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ना इतना फुल हो गया था ना मेमोरी के, क्या बताओ, इतने सारे फोटोज़ वीडियोज़, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने कुछ डिलीट नहीं किया था, तो उस वजह से मैं रह गया था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने मल्टीग्रीन आटे में और क्या क्या चीज़ें डाली थी। फिर हाँ देखो, मैंने इसके अंदर भर भी लिया है कल, और इसके अंदर लास्ट में मैंने डाला था बेसन। बेसन जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। और मैंने इसमें गेहूँ का आटा या ओट्स को पीस के, मतलब ऐसा कुछ नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं इसमें। मैंने जौ का आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा और बेसन, ये 4 चीज़ ली है, ठीक है। और आज तो मैं दलिया ही खाने वाली हूँ। दलिया भी बहुत सिंपल तरीके से कल जैसे बनाया था ना, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं वही बनाने वाली हूँ। और क्योंकि रात में मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि आज उसको जैसे वड़ा पाव होता है, उसके अंदर जो वड़ा नहीं होता है बेसिकली वही बनाने वाली हूँ, बटाटा वड़ा, तो उसको बहुत पसंद है, तो रात में वो बनाऊंगी। और अभी भी अलग अलग चीज़ें बहुत सारी बनने वाली है, तो अब मैं सोच रही हूँ कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन मुझे तो वही खाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, भूखे रहते हुए फिर कुछ तीखा खाते तो एसिडिटी वगैरह हो सकते हैं, तो आपको फ्रूट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने अभी तक कोई वर्कआउट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो शाम को मेरी फ्रेंड के वहाँ जाने वाली हूँ। हाँ, कल मेरी थोड़ी चीट हो गई थी, मैंने पानी पूरी खा ली थी, लेकिन आज बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, और क्योंकि हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, लेकिन हमारे एग्जाम 2 खत्म हो गए, अभी 1 एग्जाम और बाकी है, तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। क्योंकि सब साथ में मिलकर करते हैं ना तो अच्छा हो जाता है, मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, याद, मतलब दोस्त मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है, पार्टी जैसा भी हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा मल्टीग्रीन आटा, तो आप इसकी भी, अगर आपके घर पे कोई भी सब्जी बनती है तो आप रोटी थोड़े दिन के लिए गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए, और ये मिक्स रोटी खा सकते हैं आप, और नहीं तो आप दलिया भी खा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना। लेकिन घर पर दाल या सब्जी तो हर एक किसी के घर पर बनती है, तो आप रोटी बना के भी खा सकते हैं, सैलेड भी खा सकते हैं। तो अभी मैं ये फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय। इंटरमीटिंग फास्टिंग है ना, तो आप या तो 16 घंटे का कर सकते हैं, या आप 14 घंटे का कर सकते हैं, या आप 10 घंटे का भी कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग है तो आप थोड़ा थोड़ा करके करें, ठीक है। अगर आपने 8 बजे खाया तो सुबह आप 10 बजे खा लीजिए, या 8 बजे खा लीजिए, 10 घंटे का कर लीजिए, 12 घंटे का कर लीजिए, आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना तभी खाए, अगर भूख नहीं है, आप बार बार खाते जा रहे हो, बार बार खाते जा रहे हो, ओवर ईटिंग हो जाती है और कैलोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस तरह से हमें नहीं करना है। और आपको पहले पानी पीना है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि पेट में भूख लगी है तो पहले पानी पी लीजिए, 1 गिलास 2 गिलास आराम से बैठ के, और उसके बाद ही आप कुछ खाएं, ठीक है। खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना खाए हम मोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा हम सोचेंगे कि खाना छोड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, खाना छोड़ने से हम पतले नहीं होने वाले, खाना है लेकिन हेल्दी खाना खाना है, सही तरीके से खाना है, ठीक है। आपका हैबिट हो जाएगा ना, धीरे धीरे वेट लॉस अपने आप होता जाएगा, ओके। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सारी फेस की हुई है लाइफ में, मैंने 3 से 4 बार वेट लॉस किया है, अभी भी मेरा 75 पे आ गई हूँ, वापस तो वापस कर लूँगी, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत काम है। तो ये मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि आप भी मोटिवेट हो, मैं भी मोटिवेट हूँ, वीडियो बनाऊँ तो मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। तो चलो बस बातें कम करते हुए जल्दी से खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ किचन में, बाय। तो हाय गाइस, मैंने अपना ब्रेकफास्ट था जो फ्रूट खा लिया है, उसके बाद वापस मैं एक ग्रीन टी पी रही हूँ। मुझे अभी 12:30 ही हुए, 12 बजे मैंने फ्रूट खाया था, अभी 12:30 बजे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। और मैंने आलू जो है उबालने के लिए रख दिए हैं, और चावल जो मैंने चढ़ाने के लिए रख दिए हैं, और बस आटा भी गूंद लिया है। अभी मैं खट्टी मीठी चटनी बनाने वाली हूँ, जो कि खजूर से बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, आप ज़रूर बनाना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। और थोड़ा पीछे से यहाँ खिड़की है ना, तो बहुत उजाला आ रहा है, तो आप लोगों को फेस काला काला दिख रहा होगा, पता नहीं। तो बस अभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी चाहती हैं कि आप भी वेट लॉस करें, इंच लॉस करें, अच्छा खाना खा के, अच्छी हैबिट अपना के, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट करेंगे तभी जाके फ़र्क होगा, बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल बनानी है, खाना नहीं छोड़ना है, हर बार मैं यही कहती हूँ, पानी ज़्यादा पीना है, खाना हेल्दी खाना है, नींद अच्छी लेनी है,
खुश रहना है, क्योंकि मेरा वेट जो गेन होता है ना वो डिप्रेशन की वजह से ही होता है। टेंशन डिप्रेशन कई बार होता है ना, कई बार बच्चों का होता है, घर का होता है, क्योंकि कैमरे के सामने हंसते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी की जिंदगी में, क्योंकि हर यूट्यूबर जो होता है अपनी अलग लाइफ होती है, लेकिन आप लोगों के सामने कभी कोई कुछ नहीं दिखाता है, ठीक है। तो वैसे सब कुछ ठीक ही होता है, लेकिन कई बार होता है ना, कभी बार थकावट हो जाती है, काम का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ये वो, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके औरतों को टेंशन होता ही है, भले औरतें बताती ना है लेकिन दिल में हमेशा रखती है, क्योंकि बताने से भी कोई समझने वाला होता नहीं है। पर मुझे थोड़ा झुक के ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो स्टैंड है ना वो थोड़ा टूट गया है, तो मुझे अभी नया भी लेना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा बजट देखना भी पड़ता है ना यार, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास है, इतने हाई क्वालिटी के मतलब नहीं है, करोड़पति नहीं है कि चलो ऐसे ही मंगवाया ले लिया। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैं थोड़े टाइम बाद ही मैंने मंगवाया था, क्योंकि इंस्टा पे भी मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ, रेसिपी भी डालती हूँ और स्किन केयर भी डालती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आईडी डालूंगी, आप वहाँ भी, आप मुझे कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंस्टाग्राम आईडी डालूंगी, आप देख लीजिएगा। तो जल्दी से मैं अपनी ग्रीन टी जो है खत्म करती हूँ। हाँ, जब भी आप ग्रीन टी पीते हो ना तो एक बार आप हनी डालिए, बार बार मत डालिए। अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप लेमन डाल दीजिए, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, फिलहाल मेरे पास है भी नहीं, और मैं दो टाइम है ना आंवला जूस पी रही हूँ, खट्टा है तो उस हिसाब से मैं नहीं डाल रही हूँ। तो मैं ऐसे ही ग्रीन टी पी रही हूँ, जीरा के साथ मैंने बनाई थी, ठीक है। तो मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ, रेसिपी हर बार में शेयर करती हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी मैं सब्जी की ढेर सारी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बाय, बाद में मिलती हूँ। गाइस, चटनी के लिए सबसे पहले इमली की ज़रूरत पड़ती है, तो ये रही इमली जो कि डी मार्ट से ली थी, और एक तो 10 रुपये की प्राइस है इसकी, लेकिन डी मार्ट से कुछ कम में ही मिली होगी, तो इसको मैं खोल लेती हूँ और एक पतीले में पहले डाल देती हूँ, ठीक है। और फिर खजूर लेती हूँ, खजूर और इमली दोनों को उबालने के लिए रख दिया है। ऐसे अच्छे से उबलने के बाद इसको ठंडा होने रखना है, और इसमें खजूरी डाली है मैंने, चीनी गुड़ वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो ये अच्छी तरह से इसको चला लेनी है और इस तरह से इसको छन्नी की मदद से छान लेना है। बाकी का आप फ्रीज में रख दीजिए या फिर एक बॉटल भर के रख दीजिए, ये बिगड़ेगी नहीं फ्रीज में। मैं दोपहर में मल्टीग्रीन दलिया खा रही हूँ, अच्छे से मैंने इसको पका लिया था घी डाल के, और उसके बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ, और मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ, और कुछ भी इसके अंदर तीखा वगैरह नहीं डालने वाली हूँ, मुझे ऐसे ही टेस्टी लगता है तो इतना मैं खा लूँगी और काफ़ी पेट भर जाता है। मैंने सिंपल से आलू की सब्ज़ी बनाई थी ऑलरेडी, मैंने शायद रेसिपी शेयर की हुई है, क्योंकि दाल आज नहीं बनाई थी, तो सिंपल सी रेसिपी बनाई थी आलू की, और क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं थक गई थी, मज़ा ही नहीं आ रहा था, मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी लग रहा था, और ये मेरी बेटी की थाली है तो वो रोटी अचार और सब्ज़ी खा रही थी, मैंने तो खा लिया था। गाइस, उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, और इसको सिप सिप करके पीऊँगी मैं। उसके बाद मैं गई थी मेरी दोस्त के घर, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी थी तो बस वहीं कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर ली, उसके बाद सीरियस भी हो गए थे, और ये सारी दोस्त है मेरी, योगा दोस्त है सब, और सब हाय बोल रहे हैं आपको, तो प्लीज़ हाय लिख दीजिएगा इन लोगों के लिए भी। ब्रेक के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत आसन किए थे, और सब परफेक्ट ही कर रहे थे, मेरा थोड़ा बेली फैट है जो दिख ही रहा है, क्योंकि जब भी हम वेट लॉस करते हैं ना सारा फैट बेली पे ही आता है, और मेरा 2 बार सी सेक्शन हुआ है, तो इसको भी कम कर ही लेंगे पता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले ताड़ासन किया, उसके बाद वृक्षासन भी किया था, और ये पादहस्तासन कर रहे हैं हम लोग, जो काफ़ी बार किया था, लेकिन वीडियो के लिए मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, तो मेरा भी वेट कितना बड़ा है कितना कम हुआ है सब पता चले, तो मेरा बेली के अराउंड जो मेरा फैट है ना वो ज़्यादा है, मुझे दिख रहा है वीडियो में भी, और वैसे भी मुझे आजकल लग ही रहा है, क्योंकि पुरानी जींसें हैं मुझे आ नहीं रही हैं, तो वैसे भी पता चल जा रहा है, अभी मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया है इन 2 महीनों में, तो कोई बात नहीं वो मैं कर लूँगी। उसके बाद हमने बैठे वाले आसन किए, खड़े वाले सारे कर लिए थे, उसके बाद ये मंडू का आसन है जो कि डायबिटीज़ वालों के लिए बेस्ट है, और उसके बाद काफ़ी हम लोगों ने किया था, लेकिन इतना ही क्लिप लिया है मैंने, उसके बाद की बात बात। हाय गाइस, जस्ट मैं अभी आई हूँ घर पे, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है वहाँ पे, योगा भी किए, मस्ती भी किए, और बस कुछ खाया पिया कुछ नहीं आज, क्योंकि कल भी मेरी डाइट बिगड़ गई थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आज मेरी डाइट बिगड़े, तो बस अभी मैं बटाटा वड़ा बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, और मैं क्या खाने वाली हूँ मैं वो देख रही हूँ, क्योंकि भूख लगी है लेकिन इतनी भी नहीं लगी है, तो शायद लौकी का जूस पीऊँगी, लौकी एंड कुकुम्बर का, तो जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये पीछे बड़ा सा अवॉर्ड दिख रहा है ना वो मुझे अभी मिला था,
हमारा समर कैंप था ना उसी में, तो मैं बहुत खुश हूँ यहीं रखा है। और मेरे बेटे का है, तो चलो मैं अभी किचन में जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, बाय। गाइज़ ये मैंने आलू उबाल के रखे थे, उसके अंदर ये मैंने पेस्ट डाल दी है, जो कि लहसुन है, अदरक है और मैंने हरी मिर्च ली थी, उसको अच्छे से कूट लिया, इसके अंदर डाल दिया। और फिर मैंने डाला था इसके अंदर नमक, और मैंने डाली थी चीनी और नींबू डाला था, और ये गरम मसाला डाल रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको गोल बना लेने हैं, बाकी के बना रही हूँ। और बाजू में पड़े वो मेरे बेटे के, उसको अदरक लहसुन वगैरह कुछ पसंद नहीं, तो सिंपल से उसके लिए बना रही हूँ, ऑयल चढ़ा दिया था मैंने। तो गाइस उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे बटाटा वड़ा, और इसका बेसन जो होता है ना, मतलब ऊपर का कोटिंग करते हैं, तो बेसन में मैंने नमक और सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर मैं भी बहुत थक गई थी, रात के 9:30 बज रहे हैं अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि खाना सब लोग लेट खाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने तो खा लिया। तो गाइस अभी सारे हो चुके थे, और ये रही प्लेट, और ये रही हमारी दो चटनी, एक तीखी चटनी बनाई है लहसुन वाली, और एक है खट्टी मीठी चटनी जिसकी रेसिपी शेयर की है। इसके अंदर आपको लास्ट में नमक और लाल मिर्च पाउडर डालना है, और ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, गुजराती बटाटा वड़ा बोलते हैं इसको, बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग।